डियर जिवामी, आपने 15 लाख हिंदू लड़कियों की डिटेल से समझौता किया है। इसमें उनके नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन, पता और ऑनलाइन ऑर्डर डिटेल्स शामिल हैं। ये सभी डिटेल्स पहले ही मुसलमानों को साझा कर दी गई हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके अनसेफ सर्वर के कारण हिंदू लड़कियां प्रभावित हों? साइबर हंट्स नाम के ट्विटर अकाउंट से 16 मई को ये ट्वीट किया गया। आरोप लगाया गया कि जिवामी नाम की ऑनलाइन अंडरगार्मेंट्स बेचने वाली कंपनी ने अपने 15 लाख महिला कस्टमर्स के पर्सनल डेटा लीक कर दिए हैं। खासतौर पर हिंदू लड़कियों का जिक्र किया गया। सनातन संस्कृति के कवर पेज वाले इस अकाउंट से ये भी आरोप लगाया गया कि डेटा मुस्लिम देशों को बेचा जा रहा है। मामला राजस्थान का था तो वहीं की एसओजी टीम ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। फिर जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। पुलिस की ओर से दावा किया गया कि जो ट्विटर अकाउंट साइबर हंट्स इस डेटा लीक पर बहुत चिंता जता रहा था, उसको चलाने वाला संजय सोनी ही इस मामले का आरोपी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी संजय सोनी और उसके साथियों ने करीब 15 लाख महिलाओं का पर्सनल डेटा चुराया, जिसके बाद उसने कंपनी को डेटा के बदले पैसे देने के लिए ब्लैकमेल भी किया। इतना ही नहीं, आरोपी संजय ने यह डेटा ट्विटर पर भी शेयर किया और दावा किया कि किसी ने भारतीय हिंदू महिलाओं का डेटा चुराकर मुस्लिम देश में बेच दिया है। अपील की कि कंपनी की प्रत्येक महिला यूजर को इस पर FIR दर्ज करवानी चाहिए। राजस्थान SOG को पता चला कि साइबर हंट्स नाम का ट्विटर अकाउंट उदयपुर से चलाया जा रहा है। पुलिस ने 30 मई को उदयपुर से संजय सोनी को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी संजय ने कंपनी को कई बार ब्लैकमेल किया। कंपनी ने उसे क्रिप्टो करेंसी में पैसे देने की बात कही, जिसके बाद कंपनी ने पहले उसे $1,500 दिए। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक संजय ने यह देख एक और ट्वीट कर कंपनी को ब्लैकमेल करना चाहा। इसके बाद कंपनी ने 3 हैकर्स को कुल $3,100 ट्रांसफर कर दिए। पुलिस का दावा है कि इसमें से संजय के खाते में $1,000 जमा हुए। पुलिस जांच में पता चला कि संजय सोनी एक टेलीग्राम ग्रुप का एक्टिव सदस्य है। ग्रुप का नाम है वी लीक्स डेटा। ग्रुप में 240 सदस्य हैं। जानकारी के मुताबिक अलग अलग कंपनियों और ग्रुप्स का डेटा इस ग्रुप में शेयर किया जाता है। फिलहाल आरोपी संजय सोनी राजस्थान SOG टीम के गिरफ्त में है। संजय के घर से लैपटॉप, मोबाइल और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। पुलिस की टीम संजय के सहयोगियों की तलाश कर रही है और आगे की जाँच पड़ताल में जुटी है। इस खबर को लिखा था हमारे साथी प्रशांत ने। मैं हूँ शिवानी विश्वकर्मा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली लाइन टॉप। शुक्रिया।